नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक जज साहब टोल फीस दिए बिना ही जाना चाहते हैं और वहां मौजूद मैनेजर जज साहब से टोल फीस वसूलने के बाद ही जाने देता है। काफी जद्दोजहद के बाद जज साहब टोल चुकाने को तैयार हो जाते हैं। पहले आप यह पूरा वीडियो देखें, फिर बताते हैं आपको इसकी पूरी सच्चाई। बताऊंगा, पहले आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तो क्या लिखा है उसमें आपके लिए? आप पढ़े ही नहीं है। सुनिए, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट से नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। दूसरी बात कि आप लेन जाम किए हैं तो आप कहीं से भी होंगे, मैं इतने कानून निकालूंगा जैसे आप कानून फंसाते हो निकालते हो ना। इतनी तारीखें आप लोग लेते हो, आम आदमी बेहोश हो जाता है, उसकी आत्मा मरने लगती है। जी एक तो आप अपनी कहते जाएंगे, आप अपनी कह दीजिए। हमने लेन जाम नहीं किया। किया है आपने? क्यों किया? आपने किया? कितनी देर से आपकी गाड़ी खड़ी है? 10 मिनट से। क्यों खड़ी है? क्यों खड़ी है? जब आपने टोल एक्ट पढ़ा है और आपको पता है हाई कोर्ट के जज फ्री हैं, आप नहीं फ्री हैं, आपने क्यों? आपका मैंने कार्ड दिखाया, मैंने कि सर आप अपने किसी अधिकारी से मेरी बात करा दो। आप जब आपको पता है कि आप फ्री नहीं, फिर अधिकारी से बात करना था आपको गाड़ी। सुनिए एक मिनट, क्यों सुनिए भाई? राजस्थान और एमपी से आप कहीं से आ रहे हैं? आपने अपने अधिकारों का मतलब गलत इस्तेमाल कर डाला राजस्थान एमपी में। आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर डाला, कराइए। आपने पेमेंट दीजिए, आप पेमेंट दीजिए। नहीं करूंगा, आप रूल नियम से बढ़ के न्यायालय भी नहीं है। नियम में आप फ्री नहीं, आप पेमेंट दीजिए। 80 रुपए दीजिए। अरे कुछ मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो उसको हक के लड़ाई ना लड़ो। गलत बात है भाई, लड़ाई की आप लड़ रहे हैं। आप 10 मिनट से जाम का, ये ट्रक वाला बेचारा, आप इसका माइलेज जानते हैं? 3.5 किलोमीटर देती है। आप फूक रहे हैं उसका माइलेज। आप जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा माइलेज नहीं है, आपका माइलेज है। तो आप सुने, आप गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका माइलेज है, आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों पहले आप पेमेंट देते, फिर आप अगर कल्चर इतने कल्चर थे, आप पेमेंट देते उसके बाद आप साइड लगाते। सुनिए, आप बस कीजिए। क्या नाम है इनका, नाम बताइए। बस आप जैसे लोग पता नहीं कहाँ बैठ गए हैं। बकाया सच ये है कि बिना आत्मा का आदमी अगर न्याय में बैठे उसको निकाल देना चाहिए। दीजिए कार्ड, दीजिए इनको, पेमेंट हो गया, जाइए। तो यह मामला करीब 1.5 साल पुराना है, लेकिन यह वीडियो अचानक 15 जनवरी को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है। वीडियो इतनी तेजी से फैला है कि इसके लाखों व्यूज आ चुके हैं। असल में यह वीडियो 5 सितंबर 2020 की रात करीब 8 बजे का है। ऐपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि यह वीडियो टोल नाका मध्य प्रदेश के भिंड जिले का बताया जा रहा है। वीडियो में जज साहब और टोल मैनेजर की बातचीत की आवाज़ भी आ रही है और दावा किया जा रहा है कि यह दोनों के बीच की ही बातचीत हो रही है। हालांकि यह आवाज़ इसी वीडियो की है, इसकी पुष्टि करना मुश्किल है। यह साफ कहा जा सकता है कि वीडियो को एडिट किया गया है, क्योंकि इसमें नीचे बरेली टू मुरादाबाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसके बैकग्राउंड में पहले से कुछ लिखा था जिसे इस मैसेज से कवर किया गया है। इस वायरल वीडियो में बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है उसके मुताबिक टोल मैनेजर और कार में बैठे शख्स के बीच टोल को लेकर विवाद हो रहा है। कार में बैठा शख्स मध्य प्रदेश के ही किसी जिले का जज है। जज साहब टोल फीस दिए बिना जाना चाहते हैं, मगर टोल मैनेजर उन्हें नियम बताते हुए टोल फीस चुकाने को कहता है। वीडियो की बातचीत के मुताबिक अंत में जज साहब टोल चुकाने को तैयार हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग टोल मैनेजर की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि इंडिया बदल रहा है। इस वीडियो को हरप्रीत नाम के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। इस ट्वीट में 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो को देखने के बाद लोगों ने टोल मैनेजर की तारीफ की है, तो कई लोगों ने इसे देश में हो रहे नए बदलाव से जोड़ा है।